नमस्कार, YouTube चैनल RK ज्योतिष 2 में आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि अक्सर लोगों की शिकायत होती है कि खूब कमाते हैं फिर भी उनके पास पैसा नहीं रुकता और कोई फर्क भी नहीं पड़ता पैसे का, क्या करें। तो ऐसे में हर कोई सोचता है कि ऐसा क्या उपाय हो जिससे पैसे घर में बने रहे। तो अगर आप भी पैसे की तंगी झेल रहे हैं तो आप इस समस्या का समाधान एक छोटा सा दीपक जलाकर कर सकते हैं, वो बताएंगे आपको। तो आप मुझे सबसे पहले लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद उसके पास बेल बटन है उसे प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपके पास मैसेज के द्वारा पहुँच सके। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक करें, अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करें ताकि उनको भी जानकारी मालूम हो सके। तो आइए हम आपको बताते हैं कि शनिवार के दिन घर के मुख्य द्वार पर सरसों के तेल का दीपक लगाएं। जब दीपक बुझ जाए तो बचा हुआ तेल पीपल के पेड़ पर चढ़ा दें। घर का मुख्य द्वार जो घर में प्रवेश करते हैं दहलीज होती है, वहाँ पर घर की सुख समृद्धि और धन प्राप्ति के लिए घर में तुलसी का पौधा होना बहुत जरूरी है। अगर आपके घर में तुलसी का पौधा नहीं है तो आप जरूर ले आएं और रोज शाम को तुलसी के पास दीपक जरूर जलाएं। जब भी घर में मंदिर में घी का दीपक जलाते हैं तो उसमें थोड़ा सा कलावा अवश्य डालें। इससे माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है और लक्ष्मी माँ का घर में आगमन होता है। कभी भी किसी जरूरतमंद को खाली हाथ न लौटाएं। आपके पास जितना बन सके उतना दान करें। मंगलवार के दिन आप शाम को गोबर के कंडे जलाकर उसमें थोड़ा सा लोबान डालकर पूरे घर में घुमाएं। इससे क्या होगा कि नकारात्मक चीजें बाहर निकल जाएगी और घर में माँ लक्ष्मी का प्रवेश होगा। आप रोजाना लक्ष्मी श्री सूक्त का पाठ करें। इसके साथ ही माँ लक्ष्मी को सफेद रंगी मिठाई का भोग अवश्य लगाएं। और जब भी आप अपने काम पर जाते हैं वहां से आपको पगार मिलती है तो पगार में से कुछ पैसे निकालकर पूजा घर में अवश्य रखें। इससे आपके घर में धन बढ़ता है। तो ये छोटे छोटे दीपक के टोटके आप करेंगे तो आपके पास बहुत परेशानी मिट जाएगी। आप मुझे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।